गण और सभी टीचर्स, जैसे कि हम लोग ईवीएस 2 में अभी तक हम लोगों ने देखे कि मनुष्य ने कैसे अपनी उन्नति और अपनी तरक्की स्टार्ट की है, तो उसी उन्नति और तरक्की को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि कैसे शक्तिमान मानव ने अपने आप को परिस्थिति के साथ एडजस्ट किया और किस हिसाब से मनुष्य अपनी दिन रात तरक्की करते गया, अपनी प्रगति करते गया। तो उसी के बारे में हम आज विस्तार से देखेंगे कि प्रगति करते करते मनुष्य कैसे कैसे किस किस जगह से गुजरते हुए अपने आप को कैसे स्थायी करते गया। तो बच्चों, हम उसी को देखते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और उसी में देखेंगे। स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि कैसे कैसे मनुष्य ने तरक्की किया। तो जैसे बच्चों हम लोगों ने देखे थे कि कैसे मनुष्य का जो जीवन था वो शक्तिमान मानव ने जब स्टार्ट किया था और शक्तिमान मानव ने जब अपना जीवन स्टार्ट किया था तो सबसे पहले किसी भी इंसान को किस चीज की जरूरत पड़ती है? सभी इंसानों को पहले सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है बच्चों? तो आवास की जरूरत पड़ती है। हम लोगों ने देखे थे रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मनुष्य ने कहां से स्टार्ट किया था? रहना जंगलों में रहता था और गुफाओं में अपने आप को सुरक्षित रखता था। तो फिर मनुष्य ने धीरे धीरे करके गुफाओं में ही अपना घर बनाया। हम ये सारी चीजें देख चुके हैं। जैसे मनुष्य ने अपने रहने के लिए गुफाओं में अपना घर बनाया, गुफाओं को तराशा, गुफाओं को इतना अच्छा सुंदर बना दिया कि मनुष्य निर्भय होकर उस जगह पे रहने लगा। तो हम ये सारे चीजों को हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखे थे कि किस हिसाब से मनुष्य गुफाओं को अपने अनुकूल बनाया। तो गुफाओं में किस हिसाब से मनुष्य ने अपने आवास को अपने आप के लिए सुरक्षित बनाया और मनुष्य कैसे यानी विविध परिस्थितियों में अपने आप को ढालना शुरू कर दिया और रहना शुरू कर दिया। तो उसी प्रकार से हमने जैसे आगे देखे थे कि मनुष्य ने अपने आप को विभिन्न परिस्थितियों से निकालने के लिए अलग अलग प्रकार के हथियारों का उपयोग किया था और उन हथियारों का उपयोग के करने के लिए मनुष्य ने क्या किया था। जैसे हम लोग अश्म युग देखे थे तो अश्म युग में मनुष्य ने पत्थरों की सहायता से अलग अलग प्रकार के हथियार का निर्माण किया था और अलग अलग हथियारों का जब निर्माण करने के लिए मनुष्य को एक जैसे समझ लो एक दिन में मनुष्य ये सारी बातों को नहीं सीखा था। मनुष्य ने धीरे 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 करके इस ये परिवर्तन को अपने आप में लाया था और अपने आप के अंदर ये परिवर्तन लाते लाते हम लोगों ने जैसे देखे थे कि नवाश्म युग में मनुष्य लगभग अपने आप को परिवर्तित करने में कामयाब हो चुका था और नवाश्म युग के आते आते मनुष्य ने एक स्थायी मनुष्य के पास कैसे स्थायी बस्ती होने लग गई थी। अब मनुष्य के पास बस्ती थी यानी बस्ती में रहने लग गया था और बस्ती बनाकर रहता था, घरों का उपयोग करने लग गया था, छोटी छोटी झोपड़ियां बनाता था और अपनी जीवन को स्थायी रूप से गुजारना प्रारंभ कर रहा था। मनुष्य ने छोटे छोटे काम स्टार्ट कर दिए थे, जैसे पशुपालन है, खेती है, इस प्रकार से वह सब चीज प्रारंभ कर दिया था, परंतु छोटे पैमाने पे किया था उस समय और मनुष्य का जीवन जो है स्थायी हो रहा था। नदियों के किनारे वह स्थायी हो रहा था, अस्थायी रूप से आवास बना चुका था। तो हम आज बच्चों देखेंगे कि मनुष्य किस हिसाब से अपना स्थायी जीवन जीना शुरू किया, यानी स्थायी जीवन का प्रारंभ मनुष्य ने कैसा किया। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मनुष्य की जो यह जर्नी थी यह कईयों साल तक चली थी। ऐसा नहीं कि मनुष्य ने 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन में अपनी तरक्की कर लिया था। जैसे हम लोगों ने देखे थे, मैंने अभी आपको बताया कि कैसे मनुष्य ने कैसे शक्तिमान मनुष्य धीरे 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 अपने आप की प्रगति करते गया और कैसे वह स्थायी हुआ। तो स्थायी जब जीवन मनुष्य का प्रारंभ हुआ तो क्या क्या मनुष्य ने उस स्थायी जीवन में किया या क्या क्या उनकी जरूरत थी, ये सारी बातों को हम आज विस्तार रूप से देखेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कि मनुष्य का स्थायी जीवन कैसा प्रारंभ हुआ और किस हिसाब से सुचारू रूप से आगे बढ़ते गया। तो जैसे हम लोग जब देखते हैं कि मनुष्य का जब जीवन है स्थायी रूप से हुआ तो इन 4-5 तत्वों जो हम लोग देख रहे हैं बच्चों, इन 5 तत्वों पर ही निर्भर थी। पहला है मनुष्य ने क्या किया, पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभ किया।
दूसरी बात है, इस पार्ट में हम दूसरी बात ये देखेंगे कि विशिष्ट कौशल और विविध जो व्यवसाय थे वो मनुष्य ने कौन कौन से कौशल विकसित किया और कौन कौन से व्यवसायों का प्रारंभ किया। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि मनुष्य जब स्थायी हो गया, जैसे हम लोग आज के टाइम में स्थायी है, तो हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे का सहयोग यानी पारस्परिक सहयोग के ऊपर ही हमारा जीवन अभी भी निर्भर है और उस समय भी निर्भर था। तो पारस्परिक एक दूसरे के सहयोग के साथ, किसके आधार पर या सहयोग के साथ बच्चे जो थे उस समय के लोग एक दूसरे पे किस हिसाब से आधारित रहते थे। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि उस समय के जो आवास थे, जो घर थे, वो किस हिसाब से बने हुए थे, उनकी संरचना कैसी थी। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि गांव कैसे बने उस जमाने के, और वहां के रिश्तेदार, रिश्ते नाते और उनके पारिवारिक संबंध कैसे थे। तो ये पूरा विस्तृत जानकारी हम लोगों को देखना है बच्चों। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि मनुष्य ने जब पशुपालन स्टार्ट किया, कृषि का पहला मनुष्य का व्यवसाय था पशुपालन। मनुष्य ने अपने आप को जब स्थायी किया तो मनुष्य ने क्या किया, पशुपालन को स्टार्ट किया। और जब पशुपालन, हम लोगों ने पहले भी देखे थे कि जैसे मनुष्य ने पशुपालन करना शुरू किया, जब पशुपालन से ही मनुष्य धीरे धीरे स्थायी होना चालू हुआ। तो पहला काम था उसका मनुष्य का पशुपालन। जैसे हम लोगों ने पहले भी देखे थे कि मनुष्य के कुछ कुछ प्राणियों को मनुष्य ने अपने दोस्त बना लिए थे, जैसे कुत्ता है। तो कुत्ते की सहायता से मनुष्य एक तो निर्भय हो गया था, और दूसरी बात कैसा है, शिकार करने में भी मनुष्य कुत्ते का सहारा लेता था। जब कुत्ते का सहारा मनुष्य लेता था तो उसी प्रकार से मनुष्य ने स्टार्टिंग में क्या किया पशुपालन में, कुत्ते, भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, गधा, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के प्राणियों को पालना शुरू किया। अब वो तो स्टार्टिंग का समय था, शुरुआत का समय था, तो मनुष्य ने कैसे पशुओं को पालतू बनाया ये भी एक बात है। क्योंकि अभी चलो हम लोगों को पता है अभी आज के समय में कि पालतू पशु क्या है और जंगली पशु क्या है, तो उस समय तो सारे जंगली पशु थे, परंतु मनुष्य ने जंगली पशुओं को ही पालतू बनाया। तो उसके तीन चरण है। पहला चरण यह है कि जो भी वन्य पशु है यानी जंगली प्राणी है, जंगली प्राणियों को मनुष्य ने पकड़कर पहले क्या किया, उसको बंदी बनाया। ये पहला चरण था कि जो भी जंगली, चाहे वो कुत्ता है, भैंस है, बैल है, तो पहले कैसे है, पहले सामान्य वो जो बैल अभी पालतू है, परंतु उस समय बैल, भैंस, गाय, ये जो सारे पशु थे वो जंगली ही थे। तो मनुष्य ने क्या किया, उन पशुओं को पकड़कर पहले क्या किया, बंदी बना लिया, किडनैप कर लिया समझ लो। तो उन पशुओं को बंदी बना लिया और उनको धीरे धीरे, दूसरा पॉइंट ये है कि उन पशुओं को मनुष्य के साथ रहने की आदत लगाई। और तीसरी बात यह है कि जैसे मनुष्य के अपने जरूरत के हिसाब से, जैसे बकरी का दूध निकलता है, भैंस का दूध निकलता है, गाय का दूध निकलता है, तो मनुष्य ने क्या किया, उन पदार्थ, उन जो पशु थे उनको जूट जैसे पदार्थ और दूध है, चमड़ा है, इस प्रकार के पदार्थ उनसे प्राप्त करना शुरू किया। उसी के साथ साथ मनुष्य ने उनको, दूसरी बात यह है कि परिश्रम के जो काम है उसमें भी मनुष्य ने उनको लगाना शुरू किया। तो अलग अलग प्रकार के जो जंगली पशु थे उसको मनुष्य ने क्या किया, क्या किया बच्चों, उन पशुओं को पकड़कर बंदी बनाया। उसके बाद उन पशुओं के साथ, अपने आप के साथ उनको भी देखभाल करने लग गए। जब किसी भी चीज की देखभाल हम लोग करेंगे तो हमारा फैन हो जाता है, चाहे पशु रहे, पक्षी रहे। जैसे हम लोग अभी किसी किसी के घर में तोता हम लोग पाल के रखते हैं, तो वो क्या होता है बच्चों, तोता तो पहले बाहर का रहता है, जब हम उसको पालना शुरू करते हैं तो हमारी भाषा समझ में आ जाती है, उसको कुत्ता है। कई कई जगह बंदर को भी पालते हैं लोग, इस प्रकार से हमने देखे है। हाथी पालते हैं तो हाथी तो जंगली होता है, गधा पालते हैं, गधा, घोड़ा, हाथी, ये सारे जंगली पशुओं को मनुष्य ने धीरे धीरे अपने आपके साथ, अपने साथ रहने की उनको आदत डाल दिया, और उनका उपयोग खेती के कामों में, दूध उनसे निकालने के कामों में मनुष्य करने लगा। उसके साथ साथ कैसा हुआ मनुष्य, जैसे ये पहला तो पशुपालन है, पशुपालन के बाद मनुष्य ने दूसरा कार्य क्या स्टार्ट किया, कृषि। यानी मनुष्य स्थायी कैसे हो रहा है और कैसे अपने आप को स्थायी कर रहा है, इस चीज को हम लोग देख रहे हैं बच्चे। तो दूसरा, पहला कार्य मनुष्य का क्या था, पशुपालन, दूसरा कृषि। अब खेती कैसे मनुष्य ने करना स्टार्ट किया था ये हम लोगों ने पिछले पार्ट में भी देखे थे, और उसी को हम आगे देखते हैं कि कृषि मनुष्य के जीवन में कैसे उन्नतिशील हुई और कृषि मनुष्य उस समय किस हिसाब से करता था। तो लगभग 11,000 वर्ष पूर्व की बात है, लगभग 11,000 वर्ष पहले। आगे जैसे हम लोगों ने पहले देखे थे पशुपालन, बाद में देखे थे कि दूसरा
दूसरा काम मनुष्य ने अपने आप को स्थायी करने के लिए कृषि रखा। तो लगभग 11,000 वर्ष पहले का प्रमाण हम लोगों को, यानी हमारे जो इतिहासकार है उन लोगों को इजराइल और इराक में पाए गए हैं। उस समय जैसे देखा गया था कि कृषि प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो स्त्रियों को दिया जाता था, यानी लेडीज लोग कैसे करते थे, स्त्री लोग ही खेती का काम एक ज्यादा और बड़े पैमाने पे करते थे। उस समय क्या होता था, जैसे हम लोगों ने देखे थे कि मनुष्य का मुख्य हथियार पत्थर से ही बनाते थे मनुष्य, तो मनुष्य का मुख्य हथियार पत्थर ही था और पत्थरों के माध्यम से ही मनुष्य सबसे ज्यादा अपनी उन्नति कर रहा था। तो इस प्रकार से जो यानी जो पत्थरों थे और पत्थरों के जो निकुले डंडे थे उसके द्वारा मनुष्य ने क्या किया, वहां बीज बोने का काम स्टार्ट किया। और अभी भी हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ जगह पे, कुछ कुछ आदिवासी क्षेत्र में अभी भी आज के समय में भी जो आदिवासी जनजाति की कुछ स्त्रियां है वो भी बुआई का काम इसी प्रकार से करती है। अब वो बुआई के काम के लिए जो पत्थर उपयोग करते थे वो बहुत ही बड़ा और भारी भरकम होता था। बहुत बड़ा और भारी भरकम पत्थर जो होता था उसका उपयोग मनुष्य करता था। वो जो पत्थरों के बीच में क्या करता था, मनुष्य छिद्र बनाता था और उसमें फिर बीजों को उसकी सहायता से मनुष्य बोता था। अब वो बीज कैसे बोता था वो हम इस जगह देखेंगे कि मनुष्य जो पत्थरों का उपयोग करता था और वो बीज जो बोता था मनुष्य इस प्रकार के पत्थरों का उपयोग करता था। जैसे हम लोग इस चित्र में देख रहे हैं कि एक बड़ा सा डंडा है और बड़े से डंडे में एक गोलाकार वस्तु एकदम फिट है। गोलाकार वस्तु इसलिए फिट है, गोलाकार वस्तु ताकि उस जगह में दूसरा जिससे बीज बोने का जो पत्थर, एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है और उस छोटे से पत्थर में कैसा मनुष्य क्या करता था, छिद्र करता था और वो छिद्र में ही बीज एक एक जमीन के अंदर डालता था। और वो बीच में रखने के पीछे ये काम था कि उससे उस जो बीच में गोलाकार हम लोगों को वस्तु दिखाई दे रही है उस गोलाकार वस्तु की सहायता से उसको हम लोग पैर से उस अभी भी यानी उस गोलाकार वस्तु को मनुष्य क्या करता था, पैर से उसको जमीन में गड़ाता था, दबाता था और उसमें जो छोटा सा पत्थर का छिद्र वाला गोलाकार वस्तु जो बनाई गई है उससे मनुष्य क्या करता था, उसमें बीज डालता था और बीज की बुआई करता था। शायद आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा कि अभी भी कुछ कुछ जगह पे इस प्रकार के छिद्र वाली वस्तुओं का उपयोग किसी भी चीज के बुआई के लिए करते। तो मनुष्य ने पत्थरों की सहायता से और लकड़ियों की सहायता से इस प्रकार के लगभग उस समय के हिसाब से ये यंत्र ही था और इस प्रकार मनुष्य ने बुआई के लिए समझ लो एक प्रकार की मशीन ही बनाई और कृषि कार्य को आरंभ किया। और मुख्य रूप से जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बुआई के लिए उपयोग में लाया जाने वाला जो नुकीला डंडा है और छिद्रयुक्त पत्थर, एक नुकीला डंडा और छिद्रयुक्त पत्थर, यानी ये निकुल एकदम जो नुकीला डंडा होता था तो नुकुले डंडे से क्या होता था, जमीन को खोदना बहुत आसान हो जाता था। और साथ में बुआई करने के लिए जो छिद्रयुक्त पत्थर होता था उसमें बीज डालते थे जिससे बुआई भी बड़ी आसानी से होती थी। तो हम लोग जैसे देख रहे हैं दूसरे चित्र में कि नुकीले डंडे से बुआई का काम करते हुए स्त्रियां, तो इस प्रकार से जब बुआई का काम स्टार्ट करने की पद्धति मनुष्य ने समझ लो उस समय में सीख लिया था। अब जब बुआई करना मनुष्य ने सीख लिया था अर्थात खेती करना प्रारंभ कर दिया था, जैसे हम लोगों ने देखे थे कि 11,000 वर्ष पहले वहां पे जो इजिप्त में किस प्रकार के हल प्रचलित थे, तो ये इतिहासकारों को जो मिला हुआ चित्र है। तो इस प्रकार से मनुष्य क्या करता था, अपनी खेती की शुरुआत किया था जैसे नुकीले डंडे की सहायता से और दूसरा इजिप्त से जो प्राप्त हुआ है, तो इजिप्त नाम का जो देश है जैसे हमारा देश है उसी प्रकार से इजिप्त प्राचीन कालीन देश है जहां मनुष्य ने काफी प्रगति की थी। बच्चों तो इसी इजिप्त के हम लोगों को जो चित्र मिले हैं, तो ये चित्र को देखकर हम लोगों को समझ में आता है कि किस हिसाब से मनुष्य ने अपनी तरक्की की थी और अपने आप को मनुष्य ने कैसा प्रगत किया था। हम लोग आज भी देखते हैं कि कई कई जगह इसी प्रकार से हल का उपयोग किया जाता है, परंतु यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि उस समय के जो बैल थे, ये जो प्राणी हैं, हम लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो जंगलों में जो रेंडियर या जो बड़े बड़े सिंह वाले जो बैल थे उस समय के, या बड़े सिंह वाले जो प्राणी थे उसका उपयोग मनुष्य करता था, उसको अपना पालतू प्राणी बना करके प्राणियों की सहायता से खेती कर रहा था। और आज के समय में भी हम लोग देखते हैं कि इसी प्रकार से हल का उपयोग मनुष्य कई कई जगह पे अभी भी करता है और
साथ में हल में हम लोग बैलों को जोतते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य उस समय से 11,000 साल पहले से ही प्राणियों की सहायता से किस प्रकार से खेती को करना मनुष्य ने स्टार्ट कर दिया था, यह इस बात से समझ में आती है। इस चित्र के माध्यम से हम लोगों को समझ में आता है और सही में मनुष्य ने इस प्रकार से अपने आप की प्रगति करना शुरू किया। तो जैसे कि बच्चों हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि उस समय जैसे कृषि कार्य के लिए जो मनुष्य ने क्या किया कि अधिकतम कालावधि में, यानी जब कृषि कार्य मनुष्य का स्टार्ट हो गया तो अधिक से अधिक समय तक, यानी बहुत ज्यादा समय तक मनुष्य को एक जगह रुकना प्रारंभ हो, यानी मनुष्य को एक जगह रुकना संभव हो गया था। और इसी के कारण मनुष्य ने क्या किया, अपने आप को स्थायी किया एक स्थान पर। मनुष्य को अभी भी समझ लो जिस जगह पे खेती है, तो खेती एक ऐसी चीज है जिसकी देखभाल हम लोगों को रोज हर दिन करना पड़ता है। अब जब हम लोगों को रोज खेती की देखभाल करना पड़ेगा तो मनुष्य को एक जगह रहना ही पड़ेगा। और दूसरा उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब मनुष्य की पेट की पूर्ति, यानी मनुष्य को उसके खाद्यान्न की पूर्ति कृषि कार्य से होना बहुत ही आसान हो गया था। तो मनुष्य ने कैसा किया, कृषि कार्य से उसकी सारी जरूरतें पूरी हो रही थी और मनुष्य पशुओं के माध्यम से खेती करना प्रारंभ कर दिया था। तो पशुओं के द्वारा खींचे जाने वाले हलों की जुताई के माध्यम से मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। अब समझ लो, पहले हम लोगों ने देखे अभी थोड़ी देर पहले कि सिर्फ स्त्रियां लोग नुकेले डंडे और पत्थरों की सहायता से जब खेती करती थी तो अनाज का उत्पादन कम होते रहा होगा, क्योंकि देखो सिर्फ मनुष्य की एक क्षमता होती है काम करने की। तो मनुष्य बिना पशुओं का जब उपयोग करके खेती करता था तो क्या होता था, कम अनाज उत्पन्न होता था। अब जब मनुष्य पशुओं की सहायता से खेती करना प्रारंभ कर दिया था तो अनाज में जो अनाज का जो उत्पादन था वो बहुत ज्यादा होने लग गया, ने अनाज के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। उसी के साथ साथ कैसे है, खेती से जो लोगों का जीवन निर्वाह करना कैसा है, आसान हो गया। और प्रमुख साधन अभी जीवन निर्वाह करने के लिए मनुष्य ने खेती को ही रखा। और खेती के उत्पादन में जो वृद्धि हो इसके लिए लोग क्या करने लगे, हम लोगों ने अभी भी कहीं कहीं सुने हैं कि मनुष्य क्या करता है कि हमारी खेती बहुत अच्छी हो करके प्राकृतिक शक्ति और देवी देवताओं की आराधना करता है। और मनुष्य तब भी देवी देवताओं की आराधना पूजा पाठ करता था और आज भी हम लोग हमारी खेती बहुत अच्छी हो करके देवी देवताओं की आराधना और देवी देवताओं को हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे गॉड, हमारी खेती बहुत अच्छी हो, हमारा जीवन बहुत अच्छा हो करके आज भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो उसी प्रकार से मनुष्य ने उस समय भी हमारी खेती बहुत अच्छी हो करके प्रकृति को, जैसे कोई ना कोई एक शक्ति जो है उसकी पूजा पाठ वो लोग उस समय भी करते थे। तो जैसे हम लोग बच्चों देखते हैं कि ये जो प्राचीन इजिप्ट में इस प्रकार के हल प्रचलित थे, तो हल की सहायता से मनुष्य अपनी खेती को करने लग गया था। तो मनुष्य जब खेती करने ऐसी इस प्रकार से लग गया था तो खेती में मनुष्य ने क्या है, बहुत ज्यादा अन्न उपज, अन्न की उपज करना प्रारंभ कर दिया था। मनुष्य को भटकंती भरी जिंदगी लगभग मनुष्य की खत्म ही हो चुकी थी, एकदम मनुष्य को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था। मनुष्य क्या करता था, प्राणियों की सहायता से खेती करता था। तो मनुष्य ने अपनी स्थायी जीवन के लिए पहला क्या किया, पशुपालन किया। अब उन्हीं पशुओं के सहायता से मनुष्य क्या करता था, खेती करता था। उन्हीं पशुओं के से मनुष्य को क्या मिलता था, दूध भी मिलता था। और उन्हीं पशुओं की सहायता से जब खेती करना स्टार्ट किया तो खेती में बहुत सारा अनाज उत्पन्न करना चालू कर दिया मनुष्य ने। तो बहुत जब ज्यादा अनाज उत्पन्न होने शुरू हो गए तो उनको रखने के लिए भी मनुष्य के पास जगह चाहिए। तो और जब अनाज बहुत ज्यादा उत्पन्न होने लग गया तो उसको रखने के लिए मनुष्य के पास जगह चाहिए। तो उस जगह भी था अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के विशिष्ट जैसे जगह, जैसे हम लोग अनाज को किस जगह में रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं आज भी, समझ लो घर तो है पर घर में कहीं भी रख देते हैं क्या, नहीं, उसको बहुत अच्छे से ढककर सुरक्षित हम लोग रखते हैं। तो उसी पर उस लिए मनुष्य को कैसे अलग अलग कौशल, यानी अलग अलग प्रकार के उन लोगों को जरूरत जो पड़ती गई उस प्रकार के व्यवसाय भी मनुष्य के धीरे धीरे उत्पन्न होते गए। जैसे मनुष्य हमने देखे कि जब कृषि के कारण उस कालखंड में मनुष्य को अभी शिकार और कंदमूल इकट्ठा करने के लिए ही इधर उधर जाना नहीं पड़ने लग गया। यानी पहले कैसा था, मनुष्य खेती नहीं करता था तो मनुष्य को शिकार करने के लिए, अपने पेट की पूर्ति करने के लिए इधर उधर यानी जंगलों में भटकना पड़ता था। कंदमूल फल मनुष्य इकट्ठा करता था और उसी में उसका पूरा समय निकल जाता था। परंतु जब खेती मनुष्य करने लगा
तो क्या हुआ, मनुष्य की जीवन पद्धति बदल गई और मनुष्य समूह में रहने लगा, स्त्री पुरुष एक साथ रहने लगे और साथ में मिलकर अब धीरे धीरे मनुष्य का काम चलना स्टार्ट हो गया। मनुष्य क्या है, खेती में व्यस्त रहने लगा और खेती के कारण मनुष्य को एकदम स्थिरता प्राप्त हो गई। अब मनुष्य क्या हुआ, बहुत अधिक समय तक यानी दीर्घ समय तक अनाज का संग्रह करना मनुष्य ने स्टार्ट कर लिया था। दीर्घ समय तक मनुष्य ने अनाज का संग्रह करना स्टार्ट कर लिया था और उसको अनाज का संग्रह करना संभव हो चुका था। अब इससे क्या होता था, मनुष्य की जो आवश्यकता है एकदम पूर्ण होती गई और बहुत सारा अनाज जब मनुष्य पैदा करने शुरू कर दिया था तो उसके पास मनुष्य के पास कैसा है, जब बहुत सारा अनाज बचा रहता था और उन अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य क्या करता था, अब उसको अलग अलग प्रकार के उनको संग्रह करने की जगह की आवश्यकता पड़ने लगी। तो संग्रह करने के लिए अलग अलग जगह की आवश्यकता पड़ी तो मनुष्य ने क्या किया, उनको संग्रह करने के लिए बड़े बड़े ऐसे कोठरिया बनाना स्टार्ट कर दिया। और उसके साथ साथ मनुष्य के अलग अलग प्रकार की नवीन बातों की खोज मनुष्य ने स्टार्ट कर दी। तो नवीन बातों की खोज करने के लिए स्वयं की जो उस मनुष्य की जो कल्पना शक्ति थी उसको मनुष्य ने पढ़ाया। मनुष्य ने अपनी कल्पना शक्ति को जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो नवीन बातों की खोज करना स्टार्ट किया, मनुष्य ने अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो मनुष्य ने क्या कर लिया, उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के जो व्यवसाय थे वो मनुष्य विकसित करना प्रारंभ कर दिया। जैसे हम लोग जैसे देखते हैं कि मनुष्य ने किस प्रकार से अपने अपने अलग अलग प्रकार के व्यवसाय को विकसित करना शुरू कर दिया। तो उसमें जैसे हम लोग देखते हैं बच्चों कि मनुष्य के जो व्यवसाय थे उसमें मिट्टी के बर्तन बनाना या फिर मिट्टी के साथ साथ अलग अलग प्रकार की जो जगह जैसे पत्थरों का उपयोग करके भी कुछ कुछ चीजें बनाना, ये मनुष्य ने स्टार्ट कर लिया। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मनुष्य कैसे अपने हाथों का उपयोग करके ही मिट्टियों के बर्तनों को बना रहा है। तो उस समय कृषि के साथ साथ जो पूरक व्यवसाय थे इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के व्यवसाय विकसित हुए। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, हम लोग देख रहे हैं कि एक स्त्री एक लेडीज यहाँ पे अपने हाथों से ही मिट्टी के बर्तन बना रही है। तो मनुष्य ने जब मिट्टी के बर्तन बनाए तो शुरुआत में ही मनुष्य के जो मिट्टी के बर्तन थे वो एकदम यानी मजबूत बर्तन नहीं होते थे, पहले कैसे कच्चे बर्तन होते थे। और मनुष्य को शुरुआत में ही इस बात की समझ में नहीं आई थी कि मिट्टी के बर्तनों को बनाना भी है और उसको पकाना भी पड़ता है हाथ की सहायता से, जिससे वो मजबूत होता है। परंतु धीरे धीरे कुछ अंतराल के बाद, कुछ सालों के बाद मनुष्य के समझ में ये बात आ चुकी थी कि जो मिट्टी के हम लोग बर्तन बनाते हैं वो कैसे उसको पकाया जाते हैं, कैसे उसको मजबूत बनाया जा सकता है। और उसमें मनुष्य क्या करने लगा, अपने अनाजों का संग्रह करने लगा। जब मनुष्य के पास बहुत ज्यादा अनाज था, अब जब अनाज बहुत ज्यादा हो गया और मिट्टी के बर्तनों की सहायता से उसको संग्रहित करने लग गया, जब संग्रहित करने लग गया तो क्या हुआ, मनुष्य की जिंदगी अब बहुत आसान होने लग गई और वह अपने आप को दीर्घ समय तक एक ही जगह पे या स्थाई ही मनुष्य ने अपने आप को कर दिया। इसी प्रकार से कैसे है, जब खेती करना शुरू किया तो उसको अलग अलग प्रकार के उन्नत प्रकार के और धीरे धीरे हथियारों की आवश्यकता पड़ती गई। तो उस समय क्या हुआ, हथियार बनाने वाला भी एक नया व्यवसाय स्टार्ट हो गया। उसी प्रकार से जब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों की किस हिसाब से जब अलग अलग प्रकार के यानी व्यवसाय शुरू हो गए, तब जब अलग अलग प्रकार के जैसे व्यवसाय शुरू हो गए खेती के साथ साथ, पहला हमने व्यवसाय क्या देखे थे, पशुपालन, दूसरा कृषि, तीसरा हम लोगों ने जैसे देखे थे कि खेती के साथ साथ अलग अलग प्रकार के पूरक व्यवसाय शुरू हो गए थे। अब जब अलग अलग प्रकार के पूरक व्यवसाय शुरू हुए तो उन व्यवसायों को एक ही मनुष्य कर सकता था क्या, नहीं कर सकता था, क्योंकि कैसा है, एक ही मनुष्य पूरे हर प्रकार के व्यवसाय को कर सकता है क्या, नहीं। तो ज्यादा लोग जब एक साथ जमा हो जाते थे तो जब अलग अलग प्रकार के व्यवसाय को करना है तो पारस्परिक सहयोग की जरूरत पड़ती थी, यानी एक दूसरे के सहयोग के आधार पर जो बच्चों का जो मनुष्यों का जो जीवन था आधारित हो गया था। अब क्या होता था, अब जो गांव के जो किसान थे अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पन्न करने लगा और क्या होता था, खेती के औजार बनाने, उसकी मरम्मत करने, इन कामों के लिए भी उन्हें कुशल व्यवसायियों की आवश्यकता थी। और जब अलग अलग प्रकार के जो कुशल कारागिर, कुशल व्यवसायी की जरूरत पड़ती थी तो इन व्यवसायों को
उनने क्या किए थे, जैसे जब अलग अलग प्रकार की चीजें समझ लो, हमने देखे कि औजार है, बर्तन है, ये जो खेती करता था शायद वो नहीं बना पाता होगा, तो कुछ कुछ लोगों ने साथ में ऐसे मिट्टी के बर्तन बनाना, खेती के हथियार बनाना, औजार बनाना, या प्राणियों को के लिए कुछ चीज की जरूरत पड़ती थी इस प्रकार के चीजें बनाना, इस प्रकार से अलग अलग व्यवसाय शुरू हो गए। जैसे अभी भी अलग अलग व्यवसाय लोग करते हैं, उसी प्रकार से धीरे धीरे मनुष्य ने तरक्की करते करते अलग अलग व्यवसाय प्रारंभ कर लिया था। जब मनुष्य ने अलग अलग व्यवसाय प्रारंभ कर लिया था, तो उस समय जब देखे कि लेन देन, जैसे समझ लो किसी के पास अनाज बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी के पास पशु बहुत है, किसी के पास दूध बहुत ज्यादा हो रहा है, कोई अपना हथियार बना रहा है, तो इस प्रकार से अलग अलग जो जरूरत ही है, अपने अपने जरूरतों को पूरा करते हुए मनुष्य जब आगे बढ़ते गया, तो मनुष्य ने क्या किया, जो विविध वस्तु बनाने के लिए जो कुछ कुछ कच्चा माल कभी कभी बहुत दूर से लाना पड़ता था, तो उसका मूल्य देना पड़ता है। जैसे हम लोग आज के समय में कुछ चीज खरीदते हैं, तो उसके बदले हम लोग क्या देते हैं, पैसा देते हैं। तो उसी प्रकार से उस समय कोई भी चीज को खरीदने के लिए अनाज देते थे, और अनाजों के द्वारा ही मनुष्य का लेन देन चलता था। तो उस पद्धति को विनिमय पद्धति कहते हैं, यानी जैसे समझ लो जो कुम्हार है वह मिट्टी के बर्तन जब देगा, तो किसान उसको क्या देता था, अनाज दे देता था। या जैसे जब कोई क्या करता था, जैसे मिट्टी के बर्तन जब देता था, तो उसके बदले वह क्या देता था, दूध देता था। तो इस प्रकार से विनिमय पद्धति स्टार्ट हुई। तो जो विनिमय पद्धति स्टार्ट हुई उस, तो यानी एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु जब हम लोग लेते हैं, तो उसको कहते हैं विनिमय पद्धति कहते हैं। तो उसी को इंग्लिश में बार्टर सिस्टम भी कहा जाता है, यानी एक चीज के बदले दूसरी चीज देना, यानी वस्तुओं के आदान प्रदान से लेन देन शुरू हो गया। तो जब कच्चा माल तैयार वस्तु, इसका जैसे दैनिक जीवन में है, वस्तुओं से उसका लेन देन शुरू हुआ। तो जब हम आगे देखते हैं कि जैसे वस्तुओं का लेन देन से उस समय लोगों की जीवन पद्धति शुरू हो गई। सबसे कठिन काम बच्चों उस समय कैसा था, हर जगह नमक का उत्पादन नहीं होता था, तो नमक बहुत दूर दूर से लाना पड़ता था। जब नमक बहुत दूर दूर से लाना था, तो नमक बहुत दूर दूर से लाना पड़ता था, और नमक के व्यवसाय के कारण नवाश्मयुग के जो व्यापार था उसका विस्तार होना शुरू हो गया। जैसे नमक एक ऐसी चीज है जो समुद्र के किनारे ही मिलती है, तो उस समय में यानी ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे हैं, नदियों किनारे बसे होते थे, समुद्र किनारे बसे होते थे, जंगल इधर उधर होता था, तो नमक मनुष्य को दूर दूर तक लाना पड़ता था। तो नमक के विस्तार के कारण जो नवाश्मयुग में है, इसमें बहुत ज्यादा व्यापार बढ़ गया। तो उसमें मनुष्य को कैसे बैलगाड़ी बनाना या घोड़े जैसे परंपरा जो है पशुओं को पालना, और उस घोड़ा है, गधा है, हाथी जैसे पशुओं के ऊपर लाद करके नमक को लाना पड़ता था। तो दूर दूर से नमक का आदान प्रदान होने लग गया, और जैसे समझ लो नमक दूर से लाने के बाद उसके बदले कुछ तो लेके जाना है, तो मनुष्य क्या दूध जैसी चीज तो लेके नहीं जा सकता, तो मनुष्य क्या अनाज लेकर के जाता था। तो मनुष्य प्राणियों के ऊपर ही नमक को लाद कर लाता था, और प्राणियों के ऊपर ही उसके बदले अनाज लेकर के जाता था। इस प्रकार से व्यवसाय और व्यापार शुरू हो गया। तो गांव का जो व्यापार था वह बहुत अधिक बढ़ने लगा और सुचारू रूप से चलना चाहिए। इसके लिए क्या कर दिया मनुष्य ने, देखो किसी भी चीज को यदि सुचारू रूप से चलाना है, तो क्या है, कुछ नियम प्रबंध का कुछ नियम मनुष्य को बनाना पड़ता है। और इस प्रकार से जैसे जब नियम बनाते हैं, तो उस नियमों की देखभाल है, उस नियम की पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है करके मनुष्य को क्या, किसी न किसी को नियुक्त करना पड़ता है। तो मनुष्य ने उस समय भी वही किया कि जो गांव का जो व्यापार है वह एकदम सुरक्षित और अच्छे ढंग से चलना चाहिए करके मनुष्य ने भी क्या किया, लोगों का सहयोग मिलना चाहिए, इसलिए मनुष्य ने अलग अलग प्रकार के नियम बनाए। अब इन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए कुछ जो जिम्मेदारी है, कुछ दायित्व तो है, कुछ कुछ लोगों पर सौंपा गया। और जैसे अभी भी कुछ कुछ नियम, जैसे जो भी नियम है उसका बराबर पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके लिए भी अभी के जमाने में भी जो कानून के रखवाले होते हैं, जिनको हम पुलिस कहते हैं, तो इस प्रकार से उसी समय भी कुछ कुछ लोगों को जो सैनिक नियुक्त किए गए, या कुछ अधिकार कुछ नियुक्त हुआ, कुछ अधिकारी उसमें भी उस समय भी नियुक्त किए गए, और उन अधिकारियों को जो नियुक्त किए गए उनके ऊपर पूरा दायित्व तो सौंपा गया कि यानी सुरक्षा का दायित्व, और नियम को पालना जा रहा है कि नहीं इसका दायित्व उनके ऊपर सौंपा
सुस आ गया और इस प्रकार से जो गांव की जो शासन व्यवस्था है उसका उदय हुआ। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि आज के समय में भी जैसे कोई भी गांव हो या शहर हो या कोई भी जगह हो जहां कुछ अधिकारीगण या जैसे हम लोग अभी गांव में देखते हैं कि सरपंच होते हैं, कुछ मेंबर्स लोग होते हैं, तो उसी प्रकार से उस समय भी गांव सब लोगों ने मिलकर जब समूह में लोग लड़ने लगे तो लोगों ने मिलकर अपना एक मुखिया चुन लिया। फिर मुखिया के अंडर में कुछ ऐसे लोग नियुक्त कर दिए जो गांव में कुछ कम ज्यादा हो रहा है या तो उसके ऊपर निगरानी रखते थे और सुचारू रूप से पूरा कार्य चलना चाहिए, इसलिए कैसा किया मनुष्य ने लोगों को नियुक्त करके यानी जो दायित्व वाले लोग थे उनको नियुक्त कर दिया, कुछ अधिकारी का नियुक्त कर दिया और शासन व्यवस्था बराबर सुचारू रूप से चलना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से नवाश्म युग के जो गांव थे उसमें चारों ओर जैसे समझ लो क्या बांधे थे, जैसे हम लोग चित्रों से कई कई जगह ऐसे चित्र मिले हैं जिसमें देखा गया है कि जैसे जो गांव थे नवाश्म युग जो गांव थे उसके चारों ओर बड़े बड़े परकोट अर्थात जो मेड़ बांधे गए थे, जैसे मेड़ यानी जैसे गांव के चारों ओर गांव की सुरक्षा होनी चाहिए करके पूरा कंपाउंड बना देते थे। जैसे है आज के समय में हम लोग देखते हैं कि घर के आजू बाजू कंपाउंड बनाते थे, उस समय मनुष्य ने अपनी प्रगति इतनी कर ली थी कि किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं होनी चाहिए उसमें, जैसे पशुओं की चोरी है या समझ लो जो अनाज रखे हुए उसकी चोरी है, इसके लिए मनुष्य ने क्या बना लिए थे परकोट बना लिए थे आजू बाजू संरक्षण जो भिंत बोलते हैं या दीवाल बोलते हैं, इस प्रकार के संरक्षण के लिए दीवाल या भिंत का उपयोग मनुष्य ने करना शुरू कर दिया था, बना लिया था और संरक्षण भिंत बना लिया था और अपनी सुरक्षा करता था। और उन सुरक्षा के लिए जैसे इसमें हम लोगों ने देखे इसमें कैसे कि वो जो परकोटे जो बनी हुई रहती थी उसमें पशुओं और गांव के बाहरी जो पशु चोर होते थे या अनाज चोर होते थे उनसे रक्षा करने के लिए मनुष्य ने परकोटे बना ली थी और उसकी देखभाल अधिकारीगण करते थे। इस प्रकार से सुचारू रूप से कैसा है वो शासन व्यवस्था चलना भी स्टार्ट हो गया था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि मनुष्य ने जो आवास बनाए थे उसकी संरचना कहती थी संरचना सं तो अच्छा यानी उसकी जो रचना थी वो कैसी थी, तो किस हिसाब से वो लोग घर बनाते थे, उनके घर की स्टाइल कैसी थी, कैसे उनके छत थे, ये सारी बातें हम लोग देखते हैं। तो जो उस समय यानी कौन सा युग था नवाश्म युग, तो नवाश्म युग के प्रारंभ में जो चिकनी मिट्टी का उपयोग बहुत अधिक प्रमाण में करते थे अपने घर को बनाने के लिए, और आगे जब मनुष्य को जैसे ज्यादा अनाज पैदा होने लगा तो उस समय जब अनाजों की विपुलता बढ़ी तो मनुष्य ने अनाजों की विपुलता बढ़ी मनुष्य एक जगह रहने लग गया। उसके बाद जैसे धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि हुई, जब जनसंख्या बहुत बढ़ी तो क्या हुआ स्थिर गांव बसने लग गया और स्थिर गांव बनने शुरू हो गए, यानी गांव में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ते गई तो लोगों ने तो घर बनाना जिस सीख लिया था, लोगों को पता चल गया था कि अपने घरों को कैसे बनाना है, लोगों ने सीख लिया था कि अनाज कैसे उत्पन्न करना है, लोगों ने सीख लिया था कि कैसे पशुपालन करना है, यानी पशुपालन खेती और घर ये तीनों मनुष्य ने स्थायी रूप से एकदम अच्छे तरीके से सीख लिया था। और घरों को चलाने के लिए किस प्रकार से अलग अलग जो वस्तुएं जो होती है जैसे मिट्टी के बर्तन या जो हथियार है इस प्रकार की सारी चीजों की जानकारी मनुष्य को पूर्ण रूप से हो चुकी थी, तो इन सारी चीजों के कारण मनुष्य एकदम स्थायी हो गया और मनुष्य की प्रगति बहुत अच्छे तरीके से होनी शुरू हो गई थी। तो आगे चलकर जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि स्टार्टिंग में मनुष्य अभी भी हम कुछ कुछ गाँव में जाते हैं तो वहां मिट्टी के घर अभी भी हम लोगों को मिलते हैं, मैक्सिमम जगह आज भी हमारे हिंदुस्तान में मिट्टी के घर मिलते हैं और मिट्टियों की दीवारें घास फूस की छत ये सब होती थी। परंतु कुछ समय के बाद मनुष्य ने क्या किया जो कच्ची ईंटें हैं कच्ची ईंटों को चौकोन तरीके से बनाना शुरू कर दिया और ईंटों की सहायता से अपने घर को बनाना शुरू कर दिया था। उसके साथ साथ कुछ मकानों में क्या होता था एक ही कमरा होता था और कुछ कुछ मकानों में हम लोग देखते हैं कि जैसे मनुष्य ने तरक्की करते किया तो एक कमरे के बदले अधिक कमरों का निर्माण करना शुरू हो गया, फिर एक कमरों के बदले जैसे अधिक कमरे बनाने शुरू कर दिए, तो एक ही घर में अलग अलग यानी अलग अलग कमरों में अलग अलग सामानों को रखना अलग अलग जगह पे मनुष्य रहना शुरू हो गया। उसके बाद से एक मकान के बाद जैसे दूसरा मकान तो जो दूसरा मकान तीसरा मकान इस हिसाब से बनाना शुरू कर दिया, तो दो मकानों के बीच में बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं हुआ करती थी और मनुष्य जलवायु के हिसाब से अपने जैसे जिस जगह में बहुत तेज बारिश होती है वहां कैसे घर बनाना है, जिस जगह में कम बारिश होती है वहां कैसे घर बनाना है,
ये मनुष्य ने धीरे धीरे, और जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जहां बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, तो उससे अपनी रक्षा करने के लिए किस हिसाब से घर बनाना है ये भी मनुष्य ने स्टार्ट कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों, मनुष्य ने अपनी तरक्की शुरू कर दी थी। तो जैसे हम लोग इस चित्र में देख पा रहे हैं कि मनुष्य किस हिसाब से घर बनाता था। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि पहला जो घर है ये किस हिसाब से, जैसे लकड़ी के खंभों और घास फूस, उसी प्रकार से जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि मनुष्य ने उसमें कैसी, यानी अलग अलग प्रकार की जो लकड़ियों को कैसे सिस्टमेटिक ढंग से बांधा हुआ है। तो ये हम लोगों को अंदर दबे हुए जो अवशेष है, यानी ये जो हम लोग देख रहे हैं चित्र क्या है, जो भूमि के अंदर के जो अवशेष है वो हम लोगों को बहुत पहले प्राप्त हुआ, और किस हिसाब से मनुष्य ने गोल खंभों का उपयोग करके और विविध प्रकार की चीजों का उपयोग करके जो मकान को बनाया हुआ है। तो इस प्रकार के मकान उस समय मनुष्य बनाना शुरू कर दिया था, और इस प्रकार के घरों में मनुष्य रहता था। उसी प्रकार से हम लोग, जैसे इसी में दूसरा चित्र हम लोग देख देख रहे हैं कि ये जो दूसरा चित्र है, ये हम लोगों को जो मिला है अवशेष, ये बलूचिस्तान के मेहरगढ़ की है। तो ये बलूचिस्तान के मेहरगढ़ की नवाश्म युगीन चित्र है। इसमें पूरी बस्ती दिखी हुई है, यानी पूरी की पूरी बस्ती को इसी जमाने में जमीन के अंदर दब चुकी थी और खुदाई में इस प्रकार की पूरी बस्ती मिली है। तो उसमें हम लोग इसको गौर से देखते हैं बच्चों, तो देखो इसमें कैसा है, जो मकान है, लोगों के मकान है लगभग, यानी वो मिट्टी के भी है कुछ, और जो चौकोन, जैसे हम लोगों ने बोले कि चौकोन जो ईंट है उस प्रकार के ईंटों से बने हुए हैं, तो इसीलिए वो बहुत दिन तक सुरक्षित भी हम लोगों को दिख रहा है। और जैसे इसमें हम लोग ध्यान से जब देखते हैं तो जैसे दिखा जा रहा है कि आजू बाजू जो इतना बड़ा जो एरिया है उसके आजू बाजू में क्या है, दीवारें हैं, यानी जो गांव है उसके चारों ओर संरक्षण भी है, अर्थात यानी बाहर के लोग या बाहर का प्राणी, जंगली प्राणी नहीं आना चाहिए, या कोई गांव पर आक्रमण ना कर सके, या कुछ चुरा कर ना ले जा सके, इस प्रकार के लिए आजू बाजू दीवारें बनी हुई है। अंदर में पूरा गांव बसा हुआ है, गांव के बीच में छोटी छोटी गलियां दिख रही है हमको, कुछ कुछ घर बड़े दिख रहे हैं, कुछ कुछ घर छोटे दिख रहे हैं। इसी में हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे घरों के अंदर कैसे है, कुछ कुछ घरों में हम लोग देख रहे हैं एक एक घरों के अंदर बहुत सारे अलग अलग कमरे बने हुए हैं। तो आज से लगभग 10,000-11,000 साल पहले की ये जो बात है, ऐसा इतिहासकारों का कहना है और ऐसा समझ में आता है। तो उस इतने साल पहले, यानी जो नवाश्म युगीन जो बातें हैं, ये नवाश्म युगीन जो बस्तियां हैं, तो इससे हम लोगों को समझ में आता है कि किस हिसाब से मनुष्य ने अपनी बस्तियों को बसाया, किस हिसाब से अपने आप को उन्नत किया, कैसे कैसे मनुष्य ने धीरे धीरे अपनी तरक्की की, ये सारी बातें हम लोगों को समझ में आती है। अब जैसे हम लोग इस चित्र में देख पा रहे हैं कि लोगों के घर, लोगों का गांव किस हिसाब से बसा, लोगों का घर कैसे बसा और लोग किस हिसाब से रहे। तो जैसे समझ लो कोई भी गांव रहे या कोई भी घर रहे, कोई भी देश रहे, तो उसमें लोग कैसे एक दूसरे के नाते रिश्तेदार होते हैं या परिवार के लोग होते हैं। धीरे धीरे परिवार जब बड़ा होते जाता है तो एक से दूसरा घर बनता है, दूसरे से तीसरा घर बनता है, लोग इधर उधर अपने व्यवसाय के हिसाब से इधर उधर आते जाते हैं। तो उस समय जो के जो गांव थे और वहां पे किस हिसाब से रिश्ते नाते थे, किस प्रकार से उनका परिवार रहता था, इसको हम लोग शॉर्टकट में देखते हैं कि क्या होता था। बच्चों, जो अलग अलग मकान थे और गांव की संरचना जो जिस हिसाब से हम लोगों ने इस चित्र में देख पाए हैं, उसके आधार पर ही देख हम लोगों को समझ में आता है कि उस वो जो गांव होता था वो पहले देखो कोई भी इसमें पहले हम लोगों ने पहले सबसे इसके पहले चित्र में देखे थे कि कुछ कुछ घर होते थे, जैसे पांच घर, चार घर स्टार्टिंग मनुष्य ने एक घर बनाया, फिर पांच घर बने, फिर 10 घर बने, इस हिसाब से गांव बना। तो जितने भी लोग वहां पे रहते थे जो एक गांव में, लगभग लोग इन्हें क्या था, एक ही कुल या एक ही परिवार के होते थे। अर्थात क्या होता था, गांव के जो लोग थे वो एक दूसरे के रिश्तेदार होते थे, कोई किसी का चाचा होता था, किसी का बुआ होता था, इस प्रकार से। जैसे हम लोग देखते हैं अभी भी गांव में हम लोग जब जाते हैं तो ये हम लोगों के रिश्तेदार ही मैक्सिमम लोग रहते हैं। तो उसी प्रकार से एक गांव में लगभग एक दूसरे के रिश्तेदार लोग ही रहते थे। और क्या होता था, यह इसका अर्थ ये है कि जो पूरा गांव था, जो फैला हुआ पूरा गांव था, उसमें एक ही परिवार के लोग
रहते थे, और एक परिवार में रहने वाले जो सदस्य होते थे वो एक दूसरे के क्या थे, रिश्तेदार होते थे, और एक दूसरे के रिश्तेदार होने के कारण वो लोग कैसे एक दूसरे की मदद करते थे। और उस समय क्या होता था कि जैसे कभी किसी मनुष्य की जो मृत्यु होती थी, जब मनुष्य की मृत्यु होती थी तो वो लोग मनुष्य को घर में ही दफना देते थे, या तो फिर क्या करते थे, अपने आंगन में उनको दफनाते थे। और उस समय ऐसी मान्यता थी, या ऐसा संशोध यानी खोज में ऐसा मिला है कि जैसे जो मनुष्य की मृत्यु होती थी उसको अपने आंगन में दफना देते थे, और उसके साथ साथ उनकी जो प्रिय वस्तु थी, जो भी यानी मृत व्यक्ति की जो प्रिय वस्तु थी, या उसको कुछ पसंद होता था, या तो इस प्रकार की प्रिय वस्तु को भी उसके साथ में दफनाया जाता था। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जो गांव के यानी एक जैसे गांव होता था, और गांव में लगभग सारे पहचान के लोग रहते थे, सब लोग एक दूसरे के रिश्तेदार ही होते थे। अब एक दूसरे के रिश्तेदार होते थे और एक दूसरे के साथ रहते थे, तो जब कोई भी काम हो, चाहे कोई सामाजिक काम हो या किसी चीज की किसी को जरूरत पड़ गई, तो लोग उस समय एक दूसरे की मदद कर सकते थे। एक ही परिवार के लोग रहते थे, किसी की मृत्यु होती थी तो उसको घर के अंदर ही दफनाते थे, या तो फिर आंगन में दफनाते थे। और आंगन में उसके साथ साथ जो जीवन निर्वाह की जो कुछ कुछ जो चीजें होती है, कुछ कुछ जो वस्तुएं होती थी, उसको भी लोग दफनाते थे। तो इस प्रकार से लोग जो थे गांव में रहने लगे थे, जिंदगी एकदम सबकी कैसी हो गई थी, आसान हो गई थी। सारा सारे के सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और एक दूसरे की सहायता करते हुए रहते थे। तो कहने का मतलब यह है कि इस हिसाब से नवास्म युग में किस हिसाब से मनुष्य ने अपने आप को स्थिर किया, जब गांव बन गया, नाते रिश्तेदार हो गए, सब एक साथ रहने लगे, तो मनुष्य की जीवन एकदम स्थिर हो चुका। और मनुष्य स्थिर कहने का मतलब स्थिर यानी एकदम सुस्त नहीं बोल रहा हूं मैं, मनुष्य स्थायी रूप से रहने लगा, सुख शांति और समृद्धि और अपनी तरक्की करने लगा। तो इस प्रकार से जैसे बच्चों हम लोगों ने देखे इस पाठ में कि कैसे मनुष्य ने अपने आप की तरक्की किया और कैसे मनुष्य एकदम स्थायी होते गया। तो इस पाठ में हम लोगों ने देखे है कि मनुष्य का स्थायी जीवन कैसा प्रारंभ हुआ। तो फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करना चाहूंगा कि मनुष्य का जो जीवन है, स्थायी जीवन का प्रारंभ कैसे हुआ, मनुष्य एक जगह पर स्थायी कैसे हुआ और उसकी शुरुआत मनुष्य ने कैसे किया। तो मनुष्य ने अपनी शुरुआत कैसे किया बच्चों, सबसे पहले मनुष्य ने क्या किया, पशुपालन किया। क्या किया, पशुपालन किया, अर्थात जंगल से जो पशु, उसको पहले तो जंगल ही था, तो जंगल के जो पशु थे उनको पकड़कर बंदी बनाना, उन पशुओं को मनुष्य के साथ रहने की आदत डालना, और उन पशुओं के द्वारा जो चीजें प्राप्त होते हैं, जैसे दूध है और चमड़ा है, मांस है, इन चीजों का मनुष्य उपयोग करना शुरू किया। यानी पहला व्यवसाय मनुष्य का क्या था, पशुपालन। उसके बाद हम लोगों ने जैसे देखे थे बच्चों कि पहला हम लोगों ने देखे पशुपालन, उसके बाद मनुष्य ने दूसरा व्यवसाय क्या था, पशुपालन के साथ साथ खेती। पशुपालन के साथ साथ मनुष्य ने दूसरा काम क्या था मनुष्य का, कृषि। तो पहला पशुपालन, दूसरा खेती। ये पशुपालन के साथ मनुष्य ने जब खेती करना स्टार्ट किया, तो खेती कैसा करना स्टार्ट किया मनुष्य ने, जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि नुकीले डंडे, और उस नुकीले डंडे में एक छिद्र वाला पत्थर का हथियार मनुष्य ने लगाया, और उसके साथ साथ मनुष्य क्या उसमें बुआई करने के लिए उसका उपयोग करने लगा। इस प्रकार के हथियार मनुष्य ने बनाए, और खेती में मनुष्य ने धीरे 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 प्रगति करना शुरू किया। उसके बाद हम लोगों ने देखे कि मनुष्य ने आगे खेती में भी पशुओं को शामिल किया, और पशुओं की सहायता से जब मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ किया, तो मनुष्य के पास अब अनाज की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं रही। यानी मनुष्य बहुत ज्यादा प्रमाण में अनाज का उत्पादन करने लगा। मनुष्य समझ लो 6-6 महीने तक कुछ काम ना भी करे तो उसके पास अनाज की व्यवस्था रहनी चाहिए, खाने पीने की कमी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से जब मनुष्य ने पशुओं की सहायता लिया, तो पशुओं की सहायता से मनुष्य की जो खेती करने की जो पद्धति है उसमें बहुत ज्यादा विकास आ गया। क्योंकि सिर्फ मनुष्य अपनी मेहनत से जो खेती करता था, और अभी कैसा है, पशुओं की मदद से जब खेती करने लगा तो अनाज का उत्पादन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। यानी बहुत ज्यादा पैमाने में अनाज का उत्पादन होने लग गया। अब जब बहुत ज्यादा प्रमाण में अनाज का उत्पादन होने लग गया, तो उनको अनाज को सुरक्षित रखने के लिए,
भी जगह चाहिए, और साथ साथ उसमें उसको सुरक्षित रखने के लिए कुछ चीजें चाहिए, जैसे बर्तन है, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन का विकास किया। तो मनुष्य ने क्या किया उसके साथ साथ, जैसे अनाज जब बहुत ज्यादा प्रमाण में विकसित होने लग गया तो मनुष्य ने अपना घर भी बना बड़ा करना शुरू कर दिया, घर में स्थायी रूप से लगने लग गया, उसमें अनाज को रखना है, उसके लिए बर्तनों की आवश्यकता पड़ी बड़े बड़े, तो मिट्टी का बर्तन का विकास किया। उसी के साथ साथ मनुष्य ने अलग अलग प्रकार के कौशल विकास हुआ, जब मिट्टी के बर्तनों का की जरूरत पड़ी तो मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाए। उसी प्रकार से खेती करने के लिए औजारों की आवश्यकता होती थी तो अलग अलग कारागिर विकसित हुए, और मिट्टी के बर्तन बनाना, खेती के औजार बनाना, हल बनाना, इस प्रकार से जो पद्धति थी या इस प्रकार के जो हथियार हथियार बनाने वाले जो लोग थे, उन लोगों का भी व्यवसाय बड़े पैमाने पे चलने लगा। और उसके बाद हम लोगों ने जैसे देखे थे कि मनुष्य सारा काम तो अकेला खुद ही नहीं कर सकता था, जो जो खेती करता था खेती में व्यस्त होता था, उसी प्रकार से अनाज को रखने के लिए जो बर्तन बनाने वाले लोग, खेती के औजार बनाने वाले लोग, पशुओं के लिए कुछ कुछ चीजें बनाने वाले लोग, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के व्यवसाय उत्पन्न हुए। उसी प्रकार से हम लोगों ने देखे थे कि उस समय नमक भी की भी खोज हो चुकी थी, और नमक को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना पड़ता था। तो सारा व्यवसाय जब चलता था तो अनाजों के लेन देन से ही चलता था, एक वस्तु के बदले लोग दूसरी वस्तु एक दूसरे को देते थे, और उस लेन देन की पद्धति को क्या कहते थे, या क्रय विक्रय की, खरीदी विक्री की पद्धति जब होती थी तो वो विनिमय पद्धति से होती थी। विनिमय पद्धति बच्चों ध्यान में रखो, विनिमय पद्धति जिसको इंग्लिश में हम लोग बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। तो विनिमय पद्धति क्या होती थी, एक चीज के बदले दूसरी चीज का लेन देन। जैसे किसी के घर में या किसी के खेत में बहुत ज्यादा चावल पकता था, किसी के यहाँ बहुत ज्यादा गेहूं होता था, किसी के यहाँ ज्यादा बहुत ज्यादा दाल होती थी, तो जिसके यहाँ से दाल लाना है तो उसके बदले चावल दे दो, या किसी के यहाँ जब पशु ज्यादा होते थे, किसी के पास अच्छी किस्म के पशु होते थे तो ज्यादा दूध होता था, तो दूध के बदले अनाज, नमक के बदले अनाज, इस प्रकार से जो लेन देन होता था उसको विनिमय पद्धति कहते हैं। यार ये विनिमय पद्धति बहुत सालों तक, बहुत आगे तक भी यह विनिमय पद्धति चली थी। तो ये विनिमय पद्धति से ही मनुष्य का जो क्या है व्यापार स्टार्ट हुआ था, लेन देन, लेन देन विनिमय पद्धति से होता था, यानी अनाज के बदले दूध, अनाज के बदले हथियार, अनाज के बदले मिट्टी के बर्तन, इस प्रकार से जो लेन देन का कार्य मनुष्य करता था। तो ये सारी पद्धति बहुत सालों तक चलती गई और मनुष्य स्थायी रूप से होता गया। फिर क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने देखे हैं कि मनुष्य ने धीरे धीरे शासन व्यवस्था भी लाई, क्योंकि मनुष्य जब गांव में रहने लगा, गांव बड़े होने लगे, उनके घर बड़े होने लगे, एक कमरे के थे फिर दो कमरे होने लगे, तो मनुष्य ने क्या किया, क्या किया था बच्चों, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखे थे कि मनुष्य ने जो गांव की व्यवस्था बराबर सुचारू रूप से चलना चाहिए, इसके लिए मनुष्य ने क्या किया था, कुछ लोगों को नियुक्त किया था, कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया था, जिससे जैसे जो बाहर के जो लोग हैं वो गांव के पशुओं को ना चुरा सके, अनाज को ना चुरा सके, इसकी देखभाल करने के लिए कुछ अधिकारीगण नियुक्त किए गए। और उसी समय से जो गांव की जो शासन व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था का उदय हुआ, और अभी भी उसी शासन व्यवस्था के हिसाब से ही हमारा पूरा जीवन चलता है, और उस समय से ही ये सारी बातें स्टार्ट हुई थी। तो फिर हम लोगों ने जैसे देखे थे कि उन लोगों के जो घर थे स्टार्टिंग में मिट्टी के बने होते थे, फिर कुछ कच्चे ईंटों से बने होते थे, और जो जलवायु है, जो जो यानी जिस प्रदेश में जैसे बारिश कम है या तेज है, जहाँ ठंडी बहुत है या कम ठंडी है, बर्फबारी हो रही है या कम बर्फबारी हो रही है, इस प्रकार से जो जलवायु के हिसाब से अपने अपने घरों को उन लोगों ने बनाना शुरू किया था। तो जैसे इस चित्र में हम लोगों ने देखे थे कि कैसे यानी कुछ छतें बहुत ढलान वाली होती थी, कुछ कम वाली होती थी, इस प्रकार से वो लोग मनुष्य ने अपने अपने जरूरत के हिसाब से अब अलग अलग प्रकार के मकान बनाए। और उसके बाद जैसे हम लोगों ने देखे थे कि ये बाजू में हम लोग जैसे देख रहे हैं एक दूसरे चित्र में, पूरी बस्ती की बस्ती जहाँ मिली थी, तो ये कहाँ का है ये चित्र, ये जो है बलूचिस्तान के मेहरगढ़। तो बलूचिस्तान नाम का जो देश है, तो बलूचिस्तान में जो मेहरगढ़ है वहां की ये नवास मुबीन बस्ती है। और हम लोग इससे समझ में आता है कि किस हिसाब से मनुष्य ने अपने आप को स्थायी कर लिया था, मनुष्य किस प्रकार के गांवों में रहता था, किस प्रकार के घरों में रहता था, आजू बाजू के यानी गांव के आजू बाजू कैसे परकोट बनाए हुए रहते थे, उन
और घरों में ज्यादा अंतर नहीं होता था, वो एक दूसरे के साथ मिल, इससे हम लोगों को समझ में आता है कि मनुष्य कैसे है। एक दूसरे के घरों में ज्यादा अंतर नहीं होता था और कमरे भी घर में ज्यादा होते थे ना, एक ही घर में बहुत सारे लोग रहते थे साथ में, कैसा है आजू बाजू जो पास पास में घर होते थे। इससे समझ में आता है कि मनुष्य यानी मनुष्य के अंदर जैसे अपने आपन की जो भावना थी वो विकसित हो चुकी थी और एक दूसरे के साथ वो लोग मिलजुल कर रहते थे। जैसे उसी प्रकार से हम लोगों ने आगे देखे थे कि गांव में जो जैसे एक एक जो गांव होता था उसमें सारे लोग एक दूसरे को लगभग जानते थे और उन्हीं के जैसे नाते रिश्तेदार लोग रहते थे, तो सब पास पास में रहते थे तो लोग एक दूसरे की मदद भी बड़े आसानी से कर सकते थे। उसके अलावा जैसे हम लोगों ने देखे थे कि जैसे किसी मृत्यु की किसी इंसान की जब मृत्यु होती है तो उसको उस समय लगभग उनके घरों में ही या तो घर के सामने के आंगन में ही उनको दफनाते थे, और आंगन में ही दफनाने के बाद उनके साथ साथ जो जीवन आवश्यक जो चीजें रहती थी उसको भी साथ में दफनाया जाता था। और लोगों की ऐसी मान्यता थी कि जो मृत व्यक्ति के साथ जो विभिन्न वस्तुएं दफनाई जाती है तो मृत्यु के बाद भी उनको उस चीज की शायद जरूरत पड़ती होगी, ऐसे मनुष्य की लगभग सोच थी, और इसीलिए मनुष्य इन चीजों को भी उस जगह पे दफनाता था। तो बच्चों हम लोगों ने जैसे देखे कि मनुष्य किस हिसाब से स्थायी होना शुरू हुआ और मनुष्य ने अपने आप को किस हिसाब से प्रगत बनाना प्रारंभ किया। तो हम लोगों ने इस पार्ट में देखे बच्चों की कैसे मनुष्य ने अपने आप को स्थायी किया और स्थायी करते करते अपने आप को प्रगतिशील बनाने की कोशिश मनुष्य ने कैसे की। तो ये सारी बातों को हमने देखे हैं। अब इसके आगे हम लोग आगे तो नेक्स्ट पीरियड में हम लोग इसके आगे का देखेंगे। तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी बातें और ये पूरा पाठ आपको समझ में आया होगा कि कैसे मनुष्य ने अपने आप को स्थायी करना प्रारंभ किया। तो बच्चों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।